नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हौसलों की उड़ान भरना किसे अच्छा नहीं लगता, आसमां को छूने की ख्वाहिश किसकी नहीं होती, खुले आसमान में उड़ना कौन नहीं चाहता, लेकिन हर किसी के लिए ये मुमकिन कहां। ज्योत्सना, ये मुमकिन है और इसे मुमकिन बनाती है भारतीय वायु सेना, इंडियन एयरफोर्स, जिसका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। और आज भारतीय सेना अपने उसी सुनहरे कारनामे का जश्न मना रही है। 89वें एयरफोर्स डे पर आज भारतीय वायुसेना 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय को भी याद कर रही है। 1971 वॉर के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना की जाबाजी का गवाह पूरी दुनिया बन रही है। 1971 वॉर का हीरो फाइटर प्लेन डिनेट की झलक के साथ ही आसमान में आप आज राफेल की गर्जना देखेंगे। सुखोई, मिराज, ग्लोब मास्टर की मौजूदगी ये बता रही है कि जल और जमीन ही नहीं, हवा में भी भारत कितना सक्षम है। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन इसके साथ ये सवाल भी जहन में आ रहा है कि अगली पीढ़ी इस जाबाजी के लिए कैसे तैयार हो, फाइटर पायलट बनने के लिए उनमें कैसे फिजिकल और मेंटल एबिलिटी आए। जो देश की सेवा करना और फाइटर पायलट बनना कई युवाओं का सपना होता है। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जरूरी है नजर तेज हो, मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, यानी क्विक रिफ्लेक्सेस हो, स्पाइन मजबूत हो, किसी तरह की फिजिकल और मेंटल फिटनेस तो कतई नहीं चलेगी, अच्छी लंबाई हो और सबसे ज्यादा बढ़कर तो इरादा मजबूत हो। और ऐसे में कई लोगों में ये तमाम खूबियां मीनाक्षी नेचुरली होती हैं, लेकिन कई बार मेहनत मशक्कत से भी ये तमाम स्किल्स हासिल किए जा सकते हैं। और स्वामी रामदेव आज यही बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैसे अच्छी सेहत के साथ मेंटली स्ट्रांग बने, ये बताने के लिए हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, और एयरफोर्स से लेकर के हमारी फोर्स में, मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, CRPF में, BSF में, सब जगह हमारी माँ बहन बेटियों ने भी झंडे गाड़ रखे हैं। इसलिए शक्ति में, शौर्य में, बल में, तेज में, पराक्रम में हमारी बहनें भी कम नहीं हैं, उनका भी अभिनंदन है। और नवरात्र में हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो शैलपुत्री से सरस्वती की यात्रा शुरू होती है और जो है सिद्धिदात्री तक के आज ब्रह्मचारिणी का रूप है। तो नवरात्र में माँ के भी अनेक रूपों की उपासना करते हुए हम शक्ति की उपासना, साधना लंबे लंबे श्वासों के साथ कर रहे हैं। और जो आपने बताया कि हमारे सैनिकों जैसा हमारे मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, आर्मी में, हमारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना के जवानों में जैसा शौर्य और पराक्रम होता है, वो हर एक देशवासी में होना ही चाहिए। और उसी शौर्य का प्रतिनिधित्व करते हुए आज इंडिया TV के माध्यम से पूरे देश को बलवान बनाने के लिए, उनके बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी में सेनर्जी रहे, कि उनके हौसले बुलंद हो और उनके जिस्म फौलादी हो, लंबे लंबे श्वासों के साथ। देखो, योगिक जॉगिंग तो बहुत ईजी है, ये तो सब कर सकते हैं। अभी तक तो थोड़ा ईजी चल रहा है, अभी थोड़ा सा और टफ आएगा, लेकिन ये योगिक जॉगिंग का भी अभ्यास जो जम करके ये 12 योगिक जॉगिंग के पोज कर लेगा। जम करके व्यायाम करो, जम करके खाओ पियो और जम करके सो, 6-7-8 घंटा जितना जिसको सोना है पूरा। अभी तो ये थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, इसे 10-10 बार करना है। और खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, लंबे लंबे श्वास, संयम से रहो। फिर देखो, जैसा चाहो वैसी सेहत बना सकते हो, खाली फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल से ओतप्रोत हो जाते हैं हम। और आज मेरे साथ जो CRPF के जवान हैं वो भी मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहे हैं, ये भी अपने आप को भी फौलादी बना रहे हैं लंबे लंबे श्वास। और सारा देश हमारे साथ सुबह उठ करके, बाकी हम आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, वो तो है, लंबे लंबे श्वासों के साथ जैसे ऐसे 10-20-25-50-100-100 बार तक जब हम ये अभ्यास कराते हैं, 7 के बाद ये 8वां अभ्यास है, ऐसे लंबे लंबे श्वास। और इससे वेल टर्न्ड बॉडी, फुल स्टेमिना, फुल स्ट्रेंथ, फुल कंसंट्रेशन, लंबे लोग फुल कॉन्फिडेंस इससे मिलता है लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर क्रॉस करके ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ
ऐसे एक रिदम के साथ करें बिना रुके, पूरे पसीने से जब तक तरबतर ना हो जाए, यहाँ से शुरुआत करें और फिर बॉडी से लेके स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन से लेकर के लंबे लंबे सांस, ऐसे 5 से 10 बार से यात्रा शुरू होती है और फिर लंबे लंबे श्वासों के साथ 25, 50, 100, 100 बार ऐसे एक एक अभ्यास करके अपने जिस्म को हम फौलादि बना लेते हैं। तो योगिक जॉगिंग कर सके वो योगिक जॉगिंग करें, योगिक जॉगिंग के 12 पोज ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देते हैं। अब इसके बाद देखो सूर्य नमस्कार, अब सूर्य नमस्कार के भी 12 अभ्यास हैं। ऐसे देखो, 1, 2 ये 3 आगे झुक गए, ये 4 दाएं पैर पर बैठ गए, बाएं पैर पीछे, ये 5, ये 6 और 7 सांस भर के, 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अब श्वासों के साथ ऐसे ऐसे एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर भी आगे, फिर ऐसे ऐसे, तो 2 बार हमने प्रतीकात्मक करवाया, फिर ऐसे। अब देखो योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार, कम से कम 2 बैठक लगा लें ऐसे, देखो ऐसे, ये तो धीमे गति वाली है और ये पहलवानी स्टाइल से, ऐसे सैनिक स्टाइल से, ऐसे मिलिट्री स्टाइल से, ऐसे लंबे लंबे श्वास, हमारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना के जवान, उनकी अलग अलग बाकी और ट्रेनिंग होती है लेकिन फिजिकली उतना उनके स्टेमिना चाहिए ही चाहिए। एक तो ये जिसको हम बैठक में 1 और दूसरा हनुमान बैठक, हनुमान जी बल के सबसे बड़ा देवता है, ऐसे यहाँ से शुरुआत करें, 5 बार से करें ये, ऐसे ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये स्ट्रेंथ, ये स्पीड, ये स्टेमिना, ये कॉन्फिडेंस, ऐसे यहाँ से शुरू करें। अब कुछ तो थोड़े में लथर पथर हो जाएंगे, फिर चलो यहाँ से शुरू करते हैं। अब इसमें एक तो ये 10 बार से शुरू करके 100 बार तक जाना होता है, ऐसे ऐसे। वैसे तो पूरे 20-25 दंड बैठक हम पूरे बताते हैं, उसमें कम से कम ये 1 और दूसरा होता है, देखो ऐसे 10-10 बार 1 राउंड में 10 बार। अब इसमें जोर तो पड़ता है, 2 बार तो कर लेते हैं, यू और यू। जब 10 बार करना होता है ना, बहुत से बीच में ढह जाते हैं, 10 बार में भी बहुत जोर पड़ता है। फिर किसी को लास्ट, ऐसे तो आज जो है स्पाइन कोड के लिए भी बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, 6 पैक बनाने हो ना तो फिर ये 1 पैर ऐसे उठाए, बॉडी बहुत सुंदर बनेगी, ऐसे घुटने को ऐसे हाथ के ऊपर ऐसे, और ऐसे झुक गए और वापस आ गए ऐसे, फिर दूसरी ओर से ये 1 पैर ऊपर उठा और भुजा के ऊपर ऐसे रख दिया जंघा को और ऐसे फिर वापस आ गए। सारे जवान वह मजबूती से कर रहे हैं, सीआरपीएफ वालों को भी बधाई देनी पड़ेगी भाई आज, एयरफोर्स वालों के साथ साथ ऐसे ये मजबूती होनी चाहिए ऐसे और ऐसे। तो किसी को 6 पैक बनाने तो ये ऐसे, आज तो स्वामी जी खून की नफों में पिताजी दौड़ने लगे हैं, तो इतना करने पर देखो ये, अच्छा ये स्वामी जी, ये पूरा पसीना पसीना तो हमने भी यहाँ पे भरसक निकाल लिया है स्वामी जी, क्योंकि आज जी, तो बात ही एयरफोर्स डे की हो रही है और जब बात एयरफोर्स की आती है तो जहन में फिट स्मार्ट दिखने वाले पायलट आते हैं। योग अभ्यास तो आपने शुरू करवा ही दिए हैं, लेकिन जिनको पायलट जैसा लुक चाहिए वो योग से कैसे हासिल करें, कौन कौन सा योग अभ्यास करें? लुक मतलब आप ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करें, हाइट, शोल्डर्स, फेस, एवरीथिंग। ओवरऑल पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, तो पूरी बॉडी की शेप और फिजिकल
फिटनेस के साथ साथ कॉन्फिडेंस और एक खुशी, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, उत्सव मैंने देखा आजकल पायलट्स जो है हमारे वायुसेना वाले तो फिर भी 99% फिट दिखते हैं, बाकी के लुक में थोड़ी गड़बड़ आती है। तो हमारी पर्सनैलिटी के 5-7 अहम पहलू हैं। भुजाएं ऐसे मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए हमने बता दिया ऐसी भुजाएं होनी चाहिए मजबूत, फिर सीना उभरा हुआ होना चाहिए, कमर ऐसे कसी हुई होनी चाहिए, इतनी जगहें, पूरा शरीर ऐसे एकदम परफेक्ट शेप में, वेल टर्न्ड बॉडी, फुल स्टेमिना, फुल कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन। फिर सिर पे बाल भी होने चाहिए। अब बाल जब झड़ जाते हैं ना, वो फिर नकली विग लगानी पड़ती है, बहुत खराब लगता है। आओ बेटा तुम भी करो, ये हमारे सीआरपीएफ के जवान भी शीर्षासन करते हैं, जो शीर्षासन नहीं कर पाते वो सर्वांगासन कर लो। सर्वांगासन में शीर्षासन में ऐसे मेरे साथ आराम से करना, इससे बाल बहुत अच्छे रहते हैं, ब्रेन की भी पावर बहुत अच्छी रहती है। क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, सर्वांगासन और शीर्षासन, ये बालों के लिए, आँखों के लिए, तेज दिमाग के लिए। और कुछ लुढ़क गए, पड़ गए भाई, ज़रा संभल के। तो ये शीर्षासन ये, लेकिन लगभग 5 मिनट करना चाहिए, 100 साल तक बाल नहीं झड़ेंगे। फिर कोई दिक्कत आ जाए, थोड़ा केशकांति शैम्पू, केशकांति एडवांस हेयर ऑयल भी हमने अभी बना दिया, उसका इस्तेमाल कर देता है। ये तो शीर्षासन और दूसरा सर्वांगासन, तो पता ही है जो हमारे सब भाइयों ने किया है, ये तो बहुत ज़बरदस्त है, शीर्षासन और ये सर्वांगासन। कितना अच्छा, वापस कर लो भाई, दोबारा कर लो, सर्वांगासन, शीर्षासन, सर्वांगासन और फिर यह हलासन, जबरदस्त। इस तरह से पूरी बॉडी पर कंट्रोल भी आता है। तो बालों के लिए तो ये करना चाहिए। फिर कभी भी कमर में दर्द ना हो, उसके लिए 5 अभ्यास बता देते हैं। चलो उष्ट्रासन करते हैं, घुटने पर ऐसे और ऐसे, कितना अच्छा है। देखो एक तो ये हुआ उष्ट्रासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे साधना अपने शरीर को, अथ योगानुशासन, पूरा कंट्रोल अपने शरीर पर। चलो अब उल्टे लेट जाते हैं। तो ये उष्ट्रासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन और मरकटासन, क्योंकि कमर में दर्द होने से हमारी सारी गतिविधियों में बाधा आती है। और चाहे हमारे मिलिट्री के जवान हो, पैरामिलिट्री के जवान हो या आम नागरिक हो, अक्सर कमर में दर्द हर एक प्रोफेशन में हो ही जाता है। रीढ़ की हड्डी की फिटनेस के लिए भुजंगासन, साइड में हाथ थे, दोनों हाथ छाती के नीचे ऐसे, ये कितना जबरदस्त, ऊपर देख रहे हैं ऐसे और ऐसे थोड़ी देर होल्ड करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं भुजंगासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे और एक एक पैर से या दोनों पैरों से सलभासन, ऐसे एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से करने में बहुत दमखम लगता है, तो दोनों पैरों से करने से ये पूरा उठा दिया, पूरा ऐसे ऐसे ऐसे। तो जवान तो धनुरासन भी कर सकते हैं, उनके लिए तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब नहीं है। और फिर जैसे सीधे लेट करके मरकटासन, और इसके बाद पेट के लिए, कि देखो पाचन तंत्र का स्वस्थ हो रहा तो सबके लिए ज़रूरी है। जो पायलट होते हैं ना, उनको फ्लाइंग से पहले लहसुन और प्याज के लिए भी मना किया जाता है, बाकी ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, शराब, उनके लिए मना ही होती है। तो आदमी जो है एक पूर्ण सात्विकता के साथ ऐसी फिटनेस कैसे पाए, क्योंकि उसके हाथों में सैकड़ों लोगों की जिंदगियां होती हैं। और जो फाइटर प्लेन उड़ाते हैं उनके हाथ में तो पूरे देश का की स्वाधीनता, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल स्वामी जी, और ये अभ्यास तो कमर के लिए कर लें जी, और कम से कम 5 आसन। बिल्कुल, और जो योगाभ्यास स्वामी जी आप बता रहे हैं, पवन मुक्तासन, हाँ, उन योगाभ्यास के जरिए फाइटर पायलट जैसी बॉडी, वैसी पर्सनालिटी और वैसा स्टैमिना मिलता है। स्वामी जी, इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 4th सबसे ताकतवर फोर्स है। कहा यह जाता है कि पायलट्स के लिए क्विक रिफ्लेक्स बहुत जरूरी है, शार्प माइंड बना रहे, इसके लिए क्या करें, कैसे दिमाग को तेज और मजबूत रखें।
तो शीर्षासन सर्वांगासन के साथ साथ उनको अनुलोम विलोम भ्रामरुद गीत ओंकार और गायत्री का ध्यान भी करना चाहिए, श्वासों के साथ ध्यान करना चाहिए और सुबह उठ करके कम से कम 5 तरह के व्यायाम जो हमने बताए थे ना, कम से कम 5 तरह के व्यायाम, 5 तरह के कमर के आसन और 5 तरह के पेट के आसन। उत्तान पादासन, फिर देखो ये नौकासन, दोनों तरफ से उठा दिए, बैलेंस करना पड़ता है, ताकत बहुत लगती है इसमें क्योंकि थोड़ी देर में पैर कांपने लगते हैं, तो ऐसे बैलेंस बनाए। प्रारंभ में दोनों हाथ थोड़ा नीचे लगा करके ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं ऐसे, तो ये नौकासन। और फिर बैठ करके देखो, बैठ करके मंडूक आसन और शशक आसन, इससे भी मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, धैर्य रहता है। जीवन दो विपरीत ध्रुवों के बीच में हम जीते हैं, जिसमें एक तरफ पराक्रम होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, दूसरी तरफ मन में धैर्य, शांति, एकाग्रता, सहजता भी होनी चाहिए। तो योग से हमारे जीवन में शांति, क्रांति, वीरता और विनय साथ साथ आती है। मंडूक आसन और ये शशक आसन, ये मिनिमम पैकेज है हमारे एयरफोर्स के जवानों के लिए, हमारी सेना के लिए, मिलिट्री पैरामिलिट्री के लिए, और हमारे सेना की तरह फौलादी बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान को आज हमने पैकेज दे दिया। इतना तो ये कम से कम करें। और फिर देखो, प्राणायाम तो सब में जरूरी है, सूक्ष्म व्यायाम जो कुछ नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ 4 तरह का हम प्रोटोकॉल मूल रूप से सिखाते हैं। एक सूक्ष्म व्यायाम सब के लिए व्यायाम, फिर आसन, प्राणायाम और ध्यान, और इसमें अपने अपने आवश्यकता के अनुसार जो फ्लेक्सिबल हो वो पद्मासन में, बाकी सुखासन में या वज्रासन में सीधे बैठ करके। जो आपने प्रश्न पूछा ज्योत्सना जी, अंतर ज्योति जगाने के लिए असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। हजारों सूर्य जितना प्रकाश हमारे भीतर है, ये सारा ब्रह्मांड हमारे पिंड में है, और उसको जगाने के लिए जवानों को तो ऐसे ये जवानों वाली भस्त्रिका है, ये बीमारों वाली, ये जो अभी नया नया शुरू कर रहे हैं हमारे साथ नवरात्र में, आराम आराम से भस्त्रिका, आराम आराम से कपाल भाति। बिल्कुल स्वामी जी, और मेरा देखिए मन नहीं करता है कतई आपको टोकने का, कपाल भाति सामान्य मध्यम तीव्र, लेकिन तस्वीरें ऐसी आ रही है जो दर्शकों को दिखाना और आप तक भी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आप देखिए इंटरनेट पे से हमारे शौर्य और पराक्रम की जो तस्वीरें, दिखाइए आप ये तस्वीरें देखिए। पैराग्लाइडर्स जो है इतने ऊंचे आकाश में, ना कोई डर ना कोई शंका, और जो इनकी परवाह है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि हमारा देश कितने सुरक्षित हाथों में है स्वामी जी। और कुछ ऐसा ही सपना देश के नागरिक देखते हैं, खुले आसमान में उड़ने का, और स्वामी जी इसलिए फाइटर पायलट बनने के लिए तेज नजर की भी बहुत आवश्यकता है। तो नजर और मेमोरी दोनों योग से कैसे मजबूत बन सकती है, इसके भी आप अभ्यास करवा दीजिए। शीर्षासन और सर्वांगासन के अलावा जब इतना पसीना बहा लिया उसके बाद अब हम प्राणायाम बता रहे हैं। तो एक तो ये देखो, भस्त्रिका कपाल भाति के बाद ही अनुलोम विलोम करें, ये नज़र के लिए बहुत अच्छा है। फिर आई ग्रिट 2-2 टैबलेट खा लें, और दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप डाल लें, त्रिफला से सुबह आँखें वास कर लें, सुबह मुँह में पानी भर के ठंडे पानी से आँखें धो लें, जल नेति सूत्र नेति त्रिफला से आईवास करना, त्राटक करना, या आँखों की नज़रों के लिए और मस्तिष्क के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अनुलोम विलोम ऐसे लंबा लेना, लंबा छोड़ना। और हमने लोगों के जिनके -5-10 से लेकर के, मेरे पास एक तो आया 18 नंबर का चश्मा, मैंने देखा इतना मोटा उसका चश्मा का जो है वो ग्लास था, मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था, मैंने कहा भाई तुम ये करो, बोले स्वामी जी कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं 18 से 8 पर आ गया हूँ। कितना ही मोटा चश्मा उसको हटा सकते हैं, और तेज नज़र के साथ तेज दिमाग भी मिलता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है, इतना ज़बरदस्त है, इससे आत्मसंयम आता था। मैंने शुरू में कहा था जमकर व्यायाम करो, जमकर खाओ, जमकर सो, और संयम पूर्वक जीवन जियो।
तो योग से ये सब कुछ होगा और आँखें एकदम अच्छी हो जाएंगी। बाकी आंवले का पाउडर, आंवले का रस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आजकल तो फ्रेश आंवला आ रहा है, खूब आंवला खाएं और इससे पेट भी अच्छा रहेगा, इससे विटामिन सी भी पूरा मिलेगा, इससे ये एंटी एजिंग है, 100 साल तक जवान रहेंगे। जो एक आंवला रोज खा लेता है, एक चम्मच फ्लैक्स सीड रोज ले लेता है और एक चम्मच तिल खा लेता है या गाजर का जूस पी लेता है, यह हमने 3-4 विकल्प बता देते, वो जो ऐसा कर लेंगे वो ज़िंदगी में कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। अब बताइए, छोटी सी बात है, आप तो नज़र की पूछ रहे थे, नज़र से लेकर के, आँखों से लेकर के, दिमाग से लेकर के 100 साल तक एवरयंग, 100 साल का यौवन के साथ जीवन को जीना, क्वालिटी लाइफ जीना, इनोवेटिव, प्रसन्नता, हैप्पीनेस के साथ जिंदगी को जीना, वो मिलता है योग से। स्वामी जी, कमर्शियल पायलट हो या फिर फाइटर पायलट, छोटे से कॉकपिट में बैठकर उड़ान भरना आसान नहीं होता, बहुत ट्रेनिंग इसके लिए लेनी पड़ती है। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी है हेल्दी स्पाइन होना, तो हेल्दी स्पाइन के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? उष्ट्रासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, बरकटासन जो बता चुके, उसके अलावा ये जो स्पाइन का ऊपर वाला हिस्सा है इसके लिए देखो, ये दोनों हाथ सामने खोल करके ये अभ्यास, तो पायलट जो है अपनी सीट पर बैठ करके भी अभ्यास कर लेता है। देखो जो फाइटर प्लेन उड़ाते हैं उनको तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, बाकी आजकल तो ऑटो मोड पर पायलट जो है विमान उड़ते हैं, तो उस समय ये रिलैक्स मोड में जब होते हैं तब भी नींद भी नहीं आएगी और एक्सरसाइज भी हो जाएगी, वहाँ बैठ करके ही भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब हो सकता है। बस खाना खाया हो तो खाने के 4 घंटे बाद कपालभाति करना चाहिए। एक फिर देखो ये अभ्यास ना बहुत ज़बरदस्त है गर्दन के ऊपर वाले हिस्से के लिए। बाकी उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन ने बता ही दिए, उनका अभ्यास कर लें और ये अभ्यास कर लें, और साथ में हल्दी, मेथी, सोंठ, सुरंजान का पाउडर खा लें या पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लें। हमने कितनी अच्छी सब्जी बताई हुई है जो पूरी तरह से किसी भी प्रकार से रीढ़ की हड्डी के दर्द से लेकर के, रीढ़ की हड्डी को फिट रखने से लेकर के, पूरी तरह से वात रोगों से 80% लोगों को ये समस्या वात रोगों की। तो क्या करें, एलोवेरा का पल्प जो हम कई बार बताते हैं, 200 ग्राम 20 ग्राम अंकुरित मेथी, 10 ग्राम कच्ची हल्दी और 2 चम्मच गाय का घी डाल के एक चुटकी भर उसमें अजवाइन और पतंजलि हींग ले ले, क्योंकि शुद्ध है, बाकी कोई भी अच्छा शुद्ध हींग ले ले और उसके तड़का लगा के बाजरा और रागी की रोटी खाएं और ये सब्जी खाएं और एलोवेरा जूस पी लें, गिलोय का जूस पी लें अथवा पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट लें, 100 साल तक रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। बहुत ज़रूरी छोटी छोटी बातें हम बताते रहते हैं, आज तो एक हम सुपर एनर्जी बार भी बताने वाले, जो है एकदम प्राकृतिक चॉकलेट घर में ही बना सकते हैं और नवरात्र में उपवास के दरमियान भी खा सकते हैं, जैसे मैंने भी उपवास किया हुआ है और मीनाक्षी जी ने भी किया हुआ है। ज्योत्सना जी, आपने भी उपवास रखा हुआ है क्या? स्वामी जी, मैंने कल रखा था। अच्छा स्वामी जी, आप भी कर सकते हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, 2 महीने सबसे अच्छे होते हैं, ये खास बात बता देता हूँ, फिर आप और प्रश्न पूछ लेना। अक्टूबर और मार्च मैंने में दोनों बार ही नवरात्र आते हैं, तो नवरात्र के दरमियान ये 9 दिनों तक फ्रूट्स खाएं और सबसे अच्छा फ्रूट होता है पपीता, अनार और एप्पल, ये सुबह सुबह खा ले। अब जैसे मैं 9 दिन तक यही खाऊंगा, बाकी थोड़ा ड्राई फ्रूट ले लें जिनको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, जैसे मैंने इतना ये सब आज हार्ड वर्क किया है तो अभी हम ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट खाएंगे और वो भी गुड़ शक्कर की चाशनी में बनी हुई, क्या ज़बरदस्त। तो थोड़ा सा ये 9 दिनों तक हम फलाहार करते हैं, मैंने 5 तरह का उपवास बताया था, जलोपवास, रसोपवास, फलोपवास, शाकोपवास और सूपोपवास, कुछ भी ऐसा कर लें और उसके बाद अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने आहार को थोड़ा ठीक कर लें तो फिर 100 साल तक एवर यंग रहेंगे। आप दोनों भी बहुत हेल्दी हैं, एक बार तो ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी का एक बार अभिनंदन भाई, आप करोड़ों महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बनी हुई हैं और अपनी उम्र का पता ही लगने नहीं दे रही हैं कि आपके वैसे भी बहुत लड़कियों से महिलाओं से उनकी उम्र पूछनी नहीं चाहिए। तो स्वामी जी भी बता दिया और सबको ये भी बता दिया।
अच्छा स्वामी जी, डिफेंस सर्विस के लिए हाइट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और योग करेंगी तो पता ही नहीं लगेगा कि कितनी उम्र की है। हमारा भी लक्ष्य यही है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, मैं क्योंकि हाइट की बात कर रही थी, अब तो देखिए ज्योत्सना ब्लेस्ड है, जेनेटिकली बहुत टॉल है ये, लेकिन हाइट का रोल डिफेंस सर्विसेज में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो परफेक्ट हाइट के लिए शुरू से कौन कौन से योग अभ्यास यानी बचपन से कराने चाहिए माता पिता को, जिससे कि हाइट अच्छी रहे और अगर बड़े होकर बच्चे डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहें तो कहीं कोई बाउंडेशन ना रहे, कहीं कोई वो कहते हैं ना कि रुकावट ना आए। तो देखो, हमारे सारे जवान मेरे साथ पांचों अभ्यास कर लेंगे और इन जवानों के साथ साथ हमारे कुछ ब्रह्मचारी, कुछ आचार्य गण, कुछ वैद्य गण भी, हमारा ये इतना लंबा हो गया है, एक तो हमारा कनक इसको रोकना पड़ा हमको, ये 6 फीट से भी ऊपर जा रहा था, तो उसके लिए जो है एक तो चलो फिर से शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। बहुत ज्यादा लंबा होना भी खतरनाक हो जाता है क्या कभी कभी? ऐसा भी होता है कि कुछ लोग लंबे होना शुरू होते हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते? हाँ हाँ, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन करने से दोनों काम होते हैं। एक बच्चा है यहाँ बहादराबाद हरिद्वार के पास ही है, अब तो पतंजलि के कारण से और ज्यादा बहादराबाद आबाद हो गया, तो एक बच्चा अमित मेरे पास आया, उसका पिता दयानंद लेके आया, बोले स्वामी जी ये लड़का रुक ही नहीं रहा, 6 फीट से ऊपर जा रहा था। तो मैंने उसको कहा कि बेटा 5 मिनट शीर्षासन और 5 मिनट सर्वांगासन, शीर्षासन और ये जो सर्वांगासन है ना, ये 5-5 मिनट ऐसे करो, शीर्षासन, सर्वांगासन और ये फिर हलासन, मतलब स्वामी जी चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन। आप ये कह रहे हैं कि करने से जिनकी ज्यादा ही लंबी हाइट हो रही है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी शीर्षासन और सर्वांगासन से? हाइट कम है, हाँ। माता पिता से कम 6 इंच तो बड़े हो ही सकते हैं। जेनेटिकली अपने जीन्स के एक्सप्रेशन को हम राइट डायरेक्शन में इतना तो ले आ सकते हैं, तो अच्छे फ्रूट, साग सब्जियां, डाइट में प्रोटीन से लेकर के सारे मिनरल्स, विटामिन से लेकर के वो सब भी रखें और रोज ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, फिर एक ये पश्चिमोत्तानासन इसको कहते, दोनों पैर सामने खोल लिए और ऐसे झुक गए, तो ये हाइट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी आप भी कर लेना, आप और लंबी नहीं होगी और मीनाक्षी जी आपको थोड़ा और लंबा कर देते हैं। अच्छा, हमारी हमारी उम्र में स्कोप है क्या स्वामी जी? ये अभ्यास है 5। अब तो स्वामी जी वैसे मैंने होप छोड़ दी है, अब एक बच्चे की माँ बन गई, अब क्या हाइट बढ़ेगी? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि होप कहीं कभी भी कम नहीं होता? जी जी जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि शीर्षासन और सर्वांगासन से हाइट बढ़ती भी है और जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है वो कंट्रोल भी होती है। शीर्ष, अच्छा, ठीक, उच्चते तो इसलिए ये अभ्यास 5 विशेष हैं, बाकी तो जो जितना कर सके वक्रासन कर ले। स्वामी जी, बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं, तो प्रश्न लेना भूल गए आप, वो भी ले लो, नहीं तो लोग, मैं वही कह रही थी स्वामी जी, बहुत सारे सवाल दर्शकों के आ रहे हैं, जो रहे लोग जी, उन सवालों को भी लेना शुरू करते हैं। पहला सवाल सत्य का है, सेना में ये है, सिटिंग जॉब की वजह से कमर में दर्द और पैरों में झंझनाहट रहती है, तो इसे कैसे ठीक किया जाए, आपसे जानना चाह रहे हैं। तो कमर के दर्द के जो प्रारंभ में हमने पैकेज में आसन बताए थे वो आसन करेंगे, आगे नहीं झुकेंगे, वजन ज़्यादा नहीं उठाएंगे, पीडानील गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, त्रयोदशा गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, लाक्षादि गुग्गुल या गोक्षरादि गुग्गुल, कोई भी एक औषधि ले लेंगे, एक एक या दो दो गोली, अथवा दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, थोड़ा अश्वगंधा भी बहुत अच्छी होती है, इसका सेवन कर लेंगे, और जो है सोने का और बैठने का तरीका अपना ठीक रखेंगे, झुक करके ना बैठें और सोने में सीधे सोएं। देखो सोने का एक तरीका बता देता हूँ जो है, ये तो वक्रासन तो कर ही रहे थे, सोने का ये सही तरीका, देखो ये शवासन ऐसे, अब इसमें लोग क्या करते हैं ऐसे सोते हैं, ये गलत तरीका है, इसको ठीक करना पड़ेगा लोगों को। कुछ लोग ऐसे ही सोते हैं, पैर ऐसे पेट में गाड़ के ऐसे सोते हैं, पता नहीं क्या ऐसे मजा आता है, ऐसे सोते हैं कुंडली मार के सोना, ये तरीके ठीक नहीं, सीधे सोए या उल्टे सोना हो ऐसे, ये उल्टे सोना हो तो हथेली पर हथेली ऐसे सो सकते हैं, या थोड़ा ऐसे भी सोना हो तो थोड़ा सा हल्का सा इतना सो सकते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ऐसे दोनों तरफ से, तो ये और बैठने का तरीका हमेशा कमर सीधी रहनी चाहिए ऐसे, और क्या करते हैं ज़्यादातर
एक गलत आदत पड़ी रहती है, गांव की भाषा में बाण कुबाण पड़ रखी है, ऐसे बैठते हैं लोग ज़्यादा। हम रिलैक्स हो, रिलैक्स होकर के नहीं बैठे, तुम अपने सेहत का तबीयत का कबाड़ा करके बैठे हो, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, हमेशा ऐसे ही बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। अब ये तौर तरीके ज़िंदगी के थोड़े से ठीक कर लेंगे तो कमर 100% अच्छी हो जाएगी, थोड़ा पॉइंट भी दबा ले। अगला प्रश्न ले लो आप। अगला सवाल स्वामी जी बलबीर का है और बलबीर पूछ रहे हैं कि ITP की परेशानी से वो जूझ रहे हैं। दरअसल इसमें प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं और प्लेटलेट्स अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। बलबीर के प्लेटलेट्स भी बहुत कम हो गए हैं, प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाया जाए और ये जो परेशानी है कि बार बार प्लेटलेट्स कम हो जाने की, इसे कैसे ठीक किया जाए? कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम तो रोज करें ही, और जो मंडूकासन है, योग मुद्रा आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, हम बताते हैं कम से कम 5-7 आसन कर लें और 5 चीज़ों का जूस पी लें। प्लेटलेट पहले ही दिन बढ़ जाते हैं, 5-10 हज़ार से शुरू होकर के 25-50 हज़ार भी एक एक दिन में मैंने लोगों को बढ़ाए। 3 से 5 बार जूस पी सकते हैं, किसका? पपीते के पत्तों का रस, किलोए का रस, एलोवेरा का रस, वीटक ग्रास और अनार, इन 5 चीज़ों का रस पी लें। कम से कम पपीते के पत्तों का रस, गिलोय और एलोवेरा तो जरूरी है, उसमें वीटक ग्रास और अनार और मिल जाता है तो उससे डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। ये चीज़ें 5 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, एक दिन में, क्योंकि डेंगू आदि में मैंने देखा है एक दिन में 5,000 से लेके 25,000 प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। तो बलबीर जी भी पूरे बलवान बनेंगे और उनके प्लेटलेट बढ़ जाएंगे, और भी किसी भी कारण से जिनके प्लेटलेट कम हुए तो वो भी बढ़ जाएंगे, और किसी को डेंगू आदि है तो डेंगू लील खा ले तो डेंगू लील से तो प्लेटलेट भी बढ़ जाते हैं और साथ में डेंगू भी दूर हो जाता है। तो छोटे छोटे उपाय हमने कई बार बताए हुए, उनको अपनाने से 100% लाभ होता है। और स्वामी जी जैसा आप कहते हैं ना कि लाइफ में बैलेंस बना के चलना चाहिए, क्या खाना है, कितना योग करना है, कितनी नींद लेनी है और कितना काम करना है, अगर ये बैलेंस हमने पा लिया तो फिर ज़िंदगी बहुत ही हंसी खुशी से बीत जाएगी, खुशहाल बीतेगी। ठीक उसी तरीके का बैलेंस जो हम लगातार हिंडन एयरबेस से दिखा रहे हैं, हमारे वायुवीर जितने हैं उनकी चाहे मार्च पास्ट हो चाहे फ्लाइंग पास्ट हो, उसमें ये दिखाई देता है। स्वामी जी योग और प्राणायाम और ध्यान से हम अपने शरीर को हर कंडीशन के लिए तैयार करते हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग के लिए एनर्जी की भी ज़रूरत है। और जो आपने आज पहली सीक्रेट बता दिया कि भरपूर एनर्जी देने वाला आज आप एक ड्राई फ्रूट बार बनाना सिखाने वाले हैं, हम उसकी तरफ रुख करते हैं। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो आप कर लो, नहीं तो आपका थोड़ा जी कहीं ललचाए नहीं। वैसे तो आप योग से संयम को उपलब्ध हो गए इसलिए आपका जी नहीं ललचाएगा, तो हंसी मजाक की बात है। आज से 1.5 साल पहले वाली जो कंडीशन थी ना स्वामी जी, अब कम से कम वो हाल नहीं है। तो ये तो देखो क्या करना है, गाय का थोड़ा सा घी लिया और थोड़ा सा गाय का घी लेके अब उसमें हमने डाल दिया ये खजूर का पेस्ट, खजूर का पेस्ट डाल दिया। अब खजूर का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से सेक लेते हैं और अच्छे से सेक करके फिर जितने ड्राई फ्रूट खाने हो वो ड्राई फ्रूट भी इसके साथ मिक्स कर दिया। अब इसको अच्छे से सेक करके अब इसमें पूरे ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट खाने हैं। तो ये ड्राई फ्रूट सारे के सारे ड्राई फ्रूट जो है ये थोड़े डाल दिए इसके अंदर, और ड्राई फ्रूट डाल करके फिर इसमें देखो हमने शक्कर की, ये हमारी मधुरम है, मधुरम की चाशनी बना रखी है हमने। वैसे एनर्जी बार रेडीमेड भी रखे हैं लेकिन ये एनर्जी बार हम आज घर पे कैसे बनाना है ड्राई फ्रूट के साथ में। आजकल मिठाइयों में भी बहुत मिलावट हो गई है और एनर्जी बार्स के नाम पर भी बहुत कूड़ा कचरा मिल रहा है। तो देखो ये तैयार हो गया सुपर एनर्जी बार, और जो इसको खाएंगे वो एकदम महावीर बन जाएंगे, बलवीर बन जाएंगे। नवरात्र चल रहे हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि जिन लोगों ने व्रत किया है और इसके अंदर वो भी ये खा सकते हैं? हाँ, इसमें तो कोई भी ऐसी नमक वाली चीज नहीं है, और देखो चाशनी भी हमने गुड़ से बनाई है,
तो ये गुड़ वाली चाशनी भी डाल दी, अब तो फुल रेसिपी तैयार है। और देखो जब इसको ऐसे घोटते हुए भी देखते हुए भी इसकी सुगंध भी अच्छी आ रही है। तो जब इसको ऐसे बनाते हैं घोट पीट करके, तब ऐसी तैयार हो जाती है। अब कल का प्रोग्राम आप बता दीजिए और मैं इसको भोग लगा करके और अपने सीआरपीएफ के जवानों को बांट देता हूँ। इसमें केसर भी डाल रखा हमने, ये पतंजलि केसर जो है। स्वामी जी आप इसका भोग लगाइए, तब तक हम भी इसके अंदर डाला हुआ। हाँ, कल का कार्यक्रम बता देते हैं। शहरों में बड़ी सिरदर्द की फ्रीक्वेंसी, 5 योग दिलाएंगे आपको माइग्रेन से मुक्ति। आंखें, चेहरा भारी, गर्दन में दर्द, जानिए कौन है आपका सिरदर्द और क्या है उसकी टेंशन। अगर आपको सिरदर्द की टेंशन सताए, सिरदर्द ना छुपाएं, बिना दवा योग से दुखते सिर का उपाय कल बताएंगे आपको स्वामी रामदेव। स्वामी जी कल का कार्यक्रम हमने बता दिया है और अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, सब ऐसे सुपर एनर्जी से भरपूर रहें और योग करें और बलवान रहें। बोले भारत माता की जय। धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीन ने फिर दिखाई हिमाकत, पूरी खबर डिटेल के साथ एक